लोडेड पिस्टल लेकर घूमने के शौक ने दो सातिर बदमाशों को हवालात पहुंचा दिया। दोनों बंद पड़े हाउबाग रेलवे स्टेशन परिसर के मैदान में पिस्टल खौंसे हुए घूम रहे थे। क्राइम ब्रांच को मिली सूचना के बाद दोनों को दबोच लिया गया। गोरखपुर थाना प्रभारी सारिका पांडे ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो बदमाश संदिग्ध हालत में हाउबाग रेलवे स्टेशन के मैदान में खड़े देखे गए हैं। क्राइम ब्रांच व गोरखपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने दबिश दी तो दोनों बदमाश भागने लगे, जिन्हें घेराबंदी करते हुए गिरफ्तार कर लिया। मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति कपिल नाम का है, जो माली मोहल्ला मदर महल का रहने वाला है, पिस्टल लिए हुए घूम रहा है। इस सूचना पर थाना गोरखपुर एवं क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा हाउबाग स्टेशन पर घेराबंदी करके पकड़ा गया, जिसके पास से दो पिस्टल और एक एक जिंदा कारतूस उसके पास से मिले हैं। वह कमर में खोसे हुए था और यह वहाँ का माली मोहल्ला का रहने वाला है। दूसरा एक और सूचना मिली थी जिसमें अर्जुन तिवारी है, जो विजयनगर का रहने वाला है। इसके संबंध में एक सूचना मिली थी कि वह MGM स्कूल के पास में कट्टा लिए घूम रहा है। तो वहाँ पर क्राइम ब्रांच टीम और गोरखपुर पुलिस की टीम द्वारा घेराबंदी की गई, जो अर्जुन तिवारी विजयनगर का रहने वाला था उसके पास से एक पिस्टल और एक कारतूस जब्त किया गया। और इसी तरह से एक और सूचना थी जिसमें एक तलवार मिली है, जो कुपलेश्वर मंदिर है वहाँ पे मिली है। ये भूपेंद्र है, जो धनवंतरी नगर का रहने वाला है। इस तरह से कल तीन आरोपियों से तीन पिस्टल, तीन कारतूस और एक तलवार जब्त की गई है।